टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम ये नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई और 2014 में लेकर आई, जब जैसे नरेंद्र मोदी सरकार में आए बोले कि ओलंपिक का जो पोडियम जहां मेडल मिलता है उसको टारगेट करने के लिए एक व्यवस्था कीजिए और सारी संसाधन और सुविधाएं विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया, इन खिलाड़ियों को विदेशी कोच लाए गए। अभी आपने देखा ना जो मैं आपको बता रहा था, सबके विदेशी कोच थे, वो कैसे हुआ? इसी टॉप्स के टारगेट में नरेंद्र मोदी ने रखा कि इनको बेस्ट सुविधा दीजिए। 2014 में देना शुरू किया तो उसका रिजल्ट 2021 में आना शुरू हुआ है। एक दिन का खेल नहीं होता ये, और इसलिए आपको बताता हूं इस टॉप्स के तहत कितना खर्च हुआ वो देखिए। मीराबाई पर कितना खर्च हुआ आपको वो दिखाता हूं। मीराबाई चानू जिनको अभी आपने देखा कि उनको मेडल मिला है, उन पर इसी टॉप्स के तहत 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। खिलाड़ी पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आज इनाम देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उस वक्त ये 2.5 करोड़ खर्च हो रहे थे जब इन खिलाड़ियों को कोई जानता नहीं था। और ये मीराबाई चानू, इनको लगा था कि अब ये कर नहीं पाएंगी, आगे बढ़ नहीं पाएंगी। विनेश फोगट जो रेसलर है, मेडल से चूक गई। इनको, इनके ऊपर कितना खर्चा किया गया? 1.3 करोड़ रुपया इनके ऊपर खर्च किया गया। कोई छोटी मोटी रकम है? खिलाड़ियों को, इन खिलाड़ियों पर खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। रवि दहिया जिनको मेडल मिला इसी स्कीम के तहत, उन पर भी सारा खर्चा किया गया। उनको कोच मिले, ट्रेनिंग मिले, ये सब किया गया। सिल्वर मेडल लेकर आए वो, उन पर भी इसी के तहत खर्च किया गया। और जो नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं, नीरज, उनके ऊपर कितना खर्च हुआ आपको पता है? आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि गोल्ड ऐसे ही नहीं आता। 7 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी सरकार ने खर्च किए हैं नीरज चोपड़ा के ऊपर। 7 करोड़ कैसे खर्च हुए नीरज चोपड़ा पर, वो आगे आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप देखिए 32 खिलाड़ी और जिनके ऊपर इस तरीके से टॉप्स के तहत पैसा खर्च किया गया कि इनको स्टार बनाओ, और इन 32 खिलाड़ियों पर 44 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए गए। रियो ओलंपिक के बाद खेल मंत्रालय ने कुल 1170 करोड़ रुपए खर्च किए इन खिलाड़ियों के ऊपर, रियो ओलंपिक के बाद की बात बता रहा हूं। तो ये मेडल हवा में नहीं आते हैं,